नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मौसम समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है बिपरजॉय तूफान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सौराष्ट्र कच्छ के तट पर बिपरजॉय का लैंडफॉल शुरू हो गया है। हवा की रफ्तार फिलहाल 125 किलोमीटर प्रति घंटे से 150 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में। कई पेड़ और खंभे उखड़ गए हैं। दोस्तों जानते हैं पूरी खबर, पूरी अपडेट, सुर से अंत तक क्या कुछ घट रहा है चक्रवाती तूफान को लेकर। दरअसल दोस्तों, चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ से टकराना शुरू हो गया है। चक्रवात के कारण हवाएं 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। हवाओं की रफ्तार 150 तक जाने की संभावनाएं हैं। तेज हवाओं के कारण सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने लगे हैं। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का कहना है कि लैंडफॉल आधी रात तक जारी रहेगा। चक्रवात से होने वाले खतरे को देखते हुए अब तक 94,000 से ज्यादा लोगों को तटीय इलाकों से रेस्क्यू किया जा चुका है। कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट के इंस्पेक्टर जनरल ए.के. हरबोला ने बताया कि हमने गुजरात में 15 जहाज और 7 एयरक्राफ्ट तैयार रखे हैं। एनडीआरएफ की 27 टीमें भी तैनात हैं। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के अलावा 10 अन्य राज्यों में इस तूफान का असर देखा जा रहा है। इनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय शामिल है। यहाँ के कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही है और बारिश भी हो रही है। दोस्तों गुजरात मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि तूफान दक्षिणी अरब सागर में बनने के बाद गुजरात तट के करीब पहुंचने तक कई बार रास्ता बदलता रहा। इससे इसकी तीव्रता में उतार चढ़ाव देखने को मिला। अभी इसकी तीव्रता खतरनाक है। गुजरात के प्रभावित 8 जिलों से 75,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। विभाग के मुताबिक यह अति गंभीर चक्रवाती तूफान है। इसकी वजह से पेड़, छोटे मकान, मिट्टी और टीन के घरों को नुकसान हो सकता है। कच्छ और सौराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। दोस्तों गुजरात के द्वारका में एनडीआरएफ की 6 टीमों ने रूपेन बंदर के निचले इलाकों से 72 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया। इनमें 32 पुरुष, 25 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल हैं। इन्हें एनडीएच स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिपरजॉय पिछले 25 साल में जून महीने में गुजरात के तट से टकराने वाला पहला तूफान होगा। इससे पहले 9 जून 1998 को एक तूफान गुजरात के तट से टकराया था। तब पोरबंदर के पास 166 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली थी। बीते 58 साल की बात करें तो 1965 से 2022 के बीच अरब सागर के ऊपर से 13 चक्रवात उठे हैं। इनमें से 2 गुजरात के तट से टकराए, 1 महाराष्ट्र, 1 पाकिस्तान, 3 ओमान, यमन और 6 समुद्र के ऊपर कमजोर पड़ गए हैं। वहीं दोस्तों साइक्लोन बिपरजॉय का असर दक्षिणी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी हो रहा है। ऐसे में प्रशासन ने तटीय इलाकों से 81,000 लोगों को निकालकर ऊंचे इलाकों में राहत शिविरों में भेज दिया है। प्रशासन ने स्कूलों में 75 राहत शिविर भी बनाए हुए हैं। दोस्तों चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। सरकार ने सबको अलर्ट कर दिया है। गुजरात में एनडीआरएफ की 17 टीमें और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात हैं। वहीं नौसेना के 4 जहाज स्टैंड बाय में रखे हुए हैं। इसके अलावा एहतियात के तौर पर तट के पास रहने वाले 74,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों पर महातूफान का खौफ है। ये 9 राज्य लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और राजस्थान हैं। फिलहाल की ताजा खबर के अनुसार तूफान ने गुजरात के तट पर प्रवेश कर लिया है और जमकर तेज हवाएं चल रही है, जिससे पेड़ और खंभे उखड़ गए हैं। फिलहाल किसी की जान माल की हानि की खबर नहीं आई है। तो दोस्तों यह थी अभी तक की चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से लेकर अपडेट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में उसमें जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की काम की खबरें और समय समय पर तूफान और अन्य खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। यहां पर आपको हर मिनट अच्छी अच्छी खबरें मिलती रहती है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।